हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। अरे देखिए, सुबह से शाम तक कैसे एक हाउसवाइफ का टाइम स्पेंड होता है घर के अंदर ही। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं यहाँ बच्चों के लिए रेडी कर रही हूँ उनका स्कूल के लिए लंच। उसके लिए मैंने तैयार कर रही हूँ ये इसकी कटिंग, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और पराठा। बच्चों के लिए लंच है और हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में यही चलेगा, हम भी इसको ही खा लेंगे। अभी मैंने आलू में गोभी को काट दिया और अब आलू को कट करती हूँ। इसको करने के बाद इनको कुकर में चढ़ाते हैं। कैसे सुबह से शाम तक मतलब पता ही नहीं चलता टाइम का, कैसे एक लेडीज़ का हाउस वाइफ का टाइम मतलब कैसे निकलता है सुबह से लेके शाम तक। अब ये मेरी सब्जियाँ कट हो चुकी हैं, इधर अदरक और लहसुन, इधर गोभी, आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सब कट कर लिया। अब मेरा छुटकू सा कुकर आ गया इंडक्शन के ऊपर। अब इसमें तेल डाल के इसमें जीरा प्याज भून के सब्जी को करते हैं रेडी। सुबह को तो इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है ना कि बच्चों को कहीं लेट ना हो जाए। ये भी इसमें प्याज फ्राई, अब टमाटर डालते हैं। से मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सुबह को इसमें कढ़ाई में बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो सुबह को इतना जल्दी हो नहीं पाता। और कुकर में बनाने से फ़ायदा यह है कि इसमें एक सीटी लगा के और उस सीटी को खोल दो और फिर इसको बाद किसी पैन इसके बाद इसको किसी पैन में निकाल के उसमें जो पानी होता है उसको उसमें सौख लेते हैं। उससे वो चिपचिपी भी नहीं बनती, खिली खिली सब्जी रहती है और जल्दी भी काम हो जाता है। इसमें डाल दिया हींग और हींग को मैं रखती हूँ घोल के, क्योंकि नहीं तो ये कभी कभी सब्जी में पूरा नहीं घुल पाता और मुंह के अंदर आता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है इससे। ये सारे नमक मिर्च मसाले इसमें डाल दिए। अब इसको कुकर को बंद कर देंगे। इसमें ऐड किए आलू पहले और फिर इसके बाद ऐड करते हैं इसमें गोभी। मटर है नहीं, मटर होती तो और भी अच्छी बात थी। इसमें गोभी डाल के इनको मिक्स करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इधर नमक कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना हो। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब कुकर का लगाएंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद इसमें एक सीटी लगाएंगे और उसके बाद उस सीटी को खोल देंगे। इधर मैं थोड़ा सा धनिया काट लेती हूँ सब्जी में डालने के लिए। इधर आटा लगाने के लिए रेडी है, आटा भी रेडी हो गया। ये इसने सीटी लगा के सीटी खोल दी और उसके बाद इसको मैंने इस पैन में निकाल लिया। अब इसमें जो थोड़ा बहुत पानी होगा उसको कम आंच पे पकाएंगे खुले में। इधर तब तक भाई बच्चों की बोतल रेडी करती हूँ पानी भर के। ये तवा चढ़ गया गैस पे। इस पे मैंने स्टार्टिंग में दूध के छींटे लगाए क्योंकि बोलते हैं दूध के छींटे शुरुआत में, दूध तवे के ऊपर दूध के छींटे मारने से घर में बरकत होती है। और इसमें हरा धनिया डाल दिया। अभी देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है ना, ये चिपचिपी हुई कुकर में बनने के बाद भी। अब रोटियाँ सेकते हैं बच्चों के लिए जल्दी जल्दी थोड़ा। ये पहली रोटी गाय के लिए जो हमेशा से ही निकलती है, क्योंकि कभी भी पहली रोटी तो खाते ही नहीं ना घर में, गाय के लिए जाती है तो गाय की रोटी बनती है सबसे पहले। एक रोटी गाय की और उसके बाद फिर अपनी सबकी। स्पीड के साथ काम करना पड़ता है मॉर्निंग में, अदरवाइज बच्चों को भी हस्बैंड को भी सबको लेट होएगा। गाय की रोटी को रखो साइड और अब बनती है बच्चों के लिए। बच्चों की भी बन चुकी, उनके टिफ़िन भी तैयार हो गए। और ये लास्ट में डाली थी लास्ट की रोटी, क्योंकि मैं लास्ट की भी कभी किसी को देती नहीं। जितनी बार रोटी बनेगी इतनी ही बार लास्ट की रोटी बनेगी। और इधर यशवी के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इधर मैंने लगा रखी है मशीन सुबह से ही, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा हो रखे थे कितने, वो भी धुलते रहेंगे साथ साथ। ये पपीज़ के लिए खाना एक बार तो सुबह ही दे चुकी थी और एक बार अब दूसरा नंबर है ये, कि बच्चे बच्चे सब स्कूल चले गए, हस्बैंड ड्यूटी चले गए। अब मैं करूँगी पूजा, मेरा टाइम लगा है पूजा करने का। और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ रात में। ये हो गया रात का टाइम, रात में बनाई मैंने लौकी की सब्जी। और ये देखिए कितनी सारी रोटियाँ इकट्ठी हो रखी हैं बाद की बना के सबकी।
ये सब गायें को जाएंगी इकट्ठी होके। ये रात के खाने की तैयारी थी, अब रात का खाना भी हो चुका, पूजा के बर्तन भी साफ़ हो चुके, नाइट में जो करके रखती हूँ डेली। अब आती है क्लीनिंग की बारी, क्लीनिंग करते हैं, सारा काम ख़त्म हो गया। गैस वैस को अच्छे से साफ़ करके छोड़ देंगे, क्योंकि कभी भी ऐसे गंदा किचन नहीं छोड़ते, और दूसरी बात सुबह के लिए आसानी भी होती है जब सब कुछ क्लीन होता है, तो सुबह सुबह काम करने में। ये कॉटन क्लॉथ से मैंने इसको इजीली साफ़ कर दिया, क्योंकि आटा चिपक जाता है सब जगह पे। एक लास्ट की रोटी, और वो भी कैसरोल में, क्योंकि वो खाली नहीं रखते, थोड़ी सब्जी बच गई इसको फ्रिज में रख देंगे, सुबह को कोई खाएगा ठीक है, नहीं तो ये भी गाय को जाएगी। अब इंडक्शन को भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि पूरी किचन क्लीन हो जानी चाहिए रात में। अब किचन तो मेरी ऐसी है, टेम्परेरी है, बट फिर भी सफाई तो सफाई होती है। ये तवा, तवा भी बोलते हैं कि कभी रात में तवा नहीं छोड़, तवा और कढ़ाई गैस के ऊपर कभी भी खाली रखा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो घर के अंदर कमी आती है। और लास्ट में किचन के अंदर लग गया पोछा, क्योंकि थोड़ा कूड़ा वूड़ा गिर जाता है, आटा वाटा गिरता है, तो पोछा लगा गई, मतलब साफ़ रहता है, फिर सुबह उठ के देखो तो सब क्लीन मिलता है। थैंक यू गाइस, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।